हेलो फैमिली, तो क्या हाल चाल गाइज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी टॉपिक है, ये जो आजकल जो एम आई के फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ रही है गाइज, वो मैं आपको दिखा दूं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ये अनफॉर्चुनेटली द प्रोसेस एंड्रॉयड डॉट प्रोसेस डॉट मीडिया की हैज़ स्टॉप्ड। तो गाइज, इससे पहले जो है मैंने दो वीडियोज़ ऑलरेडी इस पर अपलोड कर रखा हूँ, जो कि आप उसे देख सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइज। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो 101% जो है सॉल्व हो जानी चाहिए। एक्चुअली इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें जो है मेरे जो फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने वो मतलब प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करके दिखाया था। बट अभी जो है मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो अभी जो है मैं डायरेक्ट, मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो इसलिए जो है मैं इस पर वीडियोज़ बना रहा हूँ गाइज। जो कि अगर आपको मैं गाइज बता दूं कि आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप भी जो है कमेंट्स भी कर सकते हो, साथ ही साथ जो है मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हो गाइज। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है कितनी सारी मैसेजेस आ चुकी है इस चीज़ के बारे में, और बहुतों को जो है प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन मिल भी चुका है गाइज। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आपको मैं अपनी आईडी दिखा दूँ, ये मेरी आईडी है एक्ट असलम सोनू के नाम से है, जो कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो गाइज। हाँ गाइज, मैं आपको इसमें जो है तीन स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप पहले फर्स्ट स्टेप यूज़ कर लेना, फर्स्ट स्टेप से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो सेकेंड स्टेप और थर्ड जो है आपको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या स्टेप है। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप स्किप करके देखोगे तो भाई आपके फ़ोन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है मुझे मत देना कि भाई कमेंट्स में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ तक कि मुझे जो है, मैंने जिससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड करी थी गाइज, उसमें जहाँ तक कि मुझे मतलब ये चला है कि नहीं, कमेंट्स के हिसाब से जो मुझे पता चला है कि ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब 85% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, 5% की जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, और जो 10% है उसमें कुछ और ही प्रॉब्लम है। ओके गाइज, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस करना गाइज, क्योंकि अगर आप प्रेस करते हो तो आप जो है कोई भी वीडियोज़ या कोई भी जो है नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाओगे। अगर वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिस करते हो गाइज तो मे भी हो सकता है जो आप चाहते हो, जो वीडियोज़ आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली ये जो आज मेरी जो है, आज मैं कुछ और टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने वाला था, जो कि मैंने वीडियोस बना के रख लिया है, पिक्सआर्ट गोल्ड फ्री में डाउनलोड कैसे करना है, कैसे यूज करना है, उसके बाद जो ट्रू कलर भी अपलोड करना था मुझे अगले तीसरे दिन पे। बट मैं आज जो है ये वीडियोस अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी मैसेजेस और जो है कमेंट्स आ चुका है। तो चलिए गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट असलम सोनू, और आप देख रहे हैं हिंदी में जाने। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले जो है आपको फ़ोन के जो है, जो भी फ़ोन है आपको उसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है गाइज, फर्स्ट स्टेप जो है आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है, जो सबसे ऊपर में ही मिलेगा। और अगर नहीं है ऊपर में नहीं मिल रहा है तो सबसे नीचे जो है आपको गूगल एमआई अकाउंट्स के ऊपर में मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करने के बाद जो है गाइज, यहाँ पे आपको जो है चेक कर लेना है कि आपको जो है ऐप अपडेट तो नहीं मांग रहा है, सिस्टम ऐप अपडेटर जो है आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा। अगर ऐप अपडेट मांग रहा है या सिस्टम अपडेट मांग रहा है तो गाइज आप अपडेट कर लेना। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो मे भी जो है ये बड़ा इशू प्रॉब्लम, मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे चल के, क्योंकि इसे अभी के टाइम में जो है बहुत सारे फ़ोन में जो है एम आई असिस्टेंस कॉन्टैक्ट ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि मेरे फ़ोन में अभी तक तो आई नहीं है। अगर आती है तो मैं आपको जो है, अगर इस पर अगर आप चाहते हो वीडियोज़ तो मैं कमेंट्स करना, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा गाइज। चलिए, और अगर अपडेट कर लेने के बावजूद नहीं आ रही है गाइज, तो उसके बाद जो आप सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद जो है गाइज स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते के बाद जो आपको ऐप्स आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज, ऐप्स मिल जाएगा, या तो आप जो है डायरेक्ट सर्च में जो है आप AWPS ओके ऐप्स क्लिक कर देना और सर्च कर लेना गाइज। आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ जो ऐप्स वाला ऑप्शन है सेकेंड नंबर पर, ये देख लो, आप जो है आइकन देख लो, अदरवाइज जो है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप्स पे जो है इस पर क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपको करना क्या है, ऐप्स पे क्लिक करने के बाद जो है सेकेंड नंबर पे है मैनेज ऐप्स। ओके गाइज, सेकेंड नंबर पे जो है मैनेज ऐप्स है, मैनेज ऐप्स पे जो है आपको क्लिक कर लेना है।
मैनेज ऐप्स पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपको जो है सर्च में ऊपर जो है सर्च अमंग 86 ऐप, मेरे पास जो है 86 ऐप्स हैं उसमें जो है उसमें बोला उसके अंदर जो है आप कोई भी सर्च जो है आप कर सकते हो, लेकिन उस पर आपको सर्च नहीं करनी है। आपको सबसे ऊपर में जो है थ्री डॉट शो हो रहा होगा, आप थ्री डॉट पे आपको क्लिक करनी है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद जो है ऊपर का सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है शो ऑल ऐप्स आ रहा है। अगर आपके फ़ोन में शो ऑल ऐप्स नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट है, तो आप डायरेक्ट जो है इसमें सर्च कर सकते हो। मेरे में शो ऑल ऐप्स आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। शो ऑल ऐप्स क्लिक करने के बाद जो है गाइज इसमें आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल प्ले सर्विस। ओके गाइज, तो यहाँ पर जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल प्ले सर्विस, जो कि मुझे सेकंड नंबर पे मिल रहा है। गूगल प्ले सर्विस पे आपको क्लिक करना है गाइस। गूगल प्ले सर्विस पे क्लिक करने के बाद जो है नीचे में क्लियर डाटा लिखा हुआ है, आप देख रहे हो फोर स्टॉप है और क्लियर डाटा है। आपको जो है क्लियर डाटा पे क्लिक करनी है गाइस। क्लियर डाटा पे जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ ऊपर आ रहा है मैनेज स्पेस और क्लियर कैच, आपको जो है इसका क्लियर कैच कर लेना है। इससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी फ़ोन में। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं भाई कि मेरे डाटा तो मतलब डाटा डिलीट तो नहीं हो जाएगा, डाटा इरेज तो नहीं हो जाएगा, भाई कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले सर्विस होने के बाद जो है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर भी एक बार क्लिक करके जो है क्लियर डाटा कर लेना है। क्लियर ऑल डाटा या क्लियर कैच, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर करके क्लियर ऑल डाटा कर लेना है गाइज। फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो है गाइज फिर से उसी में आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद जो है गाइज आपको सर्च करना है स्टोरेज, STORAGE। ओके गाइज, स्टोरेज जैसे ही सर्च करोगे मीडिया स्टोरेज है जो कि सबसे ऊपर में मिलेगा, मीडिया स्टोरेज। मीडिया स्टोरेज पे क्लिक करना है। मीडिया स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे नीचे में आपको क्लियर डाटा मिल रहा है। ओके गाइज, आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको बैक हो जाना है। फिर सेटिंग स्टोरेज है, सेटिंग स्टोरेज को आप क्लियर कैच कर सकते हो। क्लियर डाटा नहीं करना है आपको, ध्यान रहे आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैच कर लेना है। वैसे आपको क्लियर डाटा की ऑप्शन नहीं आएगी। ओके गाइज, उसके बाद जो है आपको बैक आना है। क्लियर स्टोरेज करने के बाद जो है गाइज आपको जो है स्टोरेज मैनेजर पे क्लिक करना है। ओके गाइज, STORAGE स्टोरेज मैनेजर, MANAGER। ओके गाइज, स्टोरेज मैनेजर आपको जो है चेक कर ले, STORAGE MANAGER। ओके गाइज, स्टोरेज मैनेजर पे क्लिक करना है और उसके बाद जो क्लियर ऑल डाटा पे सेम जो प्रोसेस मैं बताऊँ इससे पहले उसे ऐसे ही करते जाना है। क्लियर ऑल डाटा कर लेना, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगी गाइज। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपको सर्च करना है फ्रेमवर्क। ओके, FRAME फ्रेम WORK। ओके गाइज, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आ रहा है गूगल सर्विस फ्रेमवर्क और गूगल सर्विस फ्रेमवर्क दो आ रहा है, तो आपको जो है Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क पे जो है आपको क्लिक करना है। ये Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क जो है तीसरे नंबर पे जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और देख ले क्लियर कैच करके क्लियर कैच कर लेना है। ओके गाइज, क्लियर कैच करने के बाद जो है आपको आपके मोबाइल को जो है आपको रिसेट कर देना है। ओके गाइज, रिसेट कर दो और रिसेट करने के बाद देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो गई होगी। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है गाइज तो जो है आपको दूसरा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आप एक बार ट्राई कर लेना। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद जो है सबसे ऊपर में सिस्टम ऐप सेटिंग है। सिस्टम ऐप सेटिंग में आने के बाद जो है सबसे नीचे आना है जो कि लिखा हुआ है क्विक ऐप सर्विस फ्रेमवर्क, जो कि आप सर्च भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे जो है क्विक ऐप सर्विस फ्रेमवर्क पे क्लिक करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो आपको यहाँ पे फीडबैक दिख रहा है एडिशनल सेटिंग में जो आपको फीडबैक मिल जाएगा, फीडबैक पे आपको क्लिक कर देनी है गाइज। फीडबैक पे आपको क्लिक करने के बाद जो देखिए जो प्रॉब्लम्स अभी हम लोग फेस कर रहे हैं गाइज उसका जो है इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। देखिए ऊपर में है क्विक ऐप सर्विस फ्रेमवर्क, उसमें है रिपोर्ट बग्स एवरी टाइम यू एनकाउंटर प्रॉब्लम्स टू हेल्प अस सॉल्व देम फास्टर। ओके गाइज, यहाँ पे आपको सजेशन या तो आप इशू जो भी आपकी इशू आ रही है, सजेशन नहीं देना है आपको, इशू जो भी आ रही है वो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो यहाँ पर जो है डाल देना है। उसके बाद जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद जो आपको जो भी स्क्रीनशॉट लिया वो डाल देना है। ओके गाइज, यहाँ पे टाइम में रिक्वायर्ड है जो कि आपको यहाँ पे टाइम को छोड़ देना है और या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी अपना डालने के बाद जो सेंड कर देना है। आपको जो है MI फ़ोन के केयर की तरफ से जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और दे विल हेल्प यू। ठीक है गाइज,
चलिए, और मैं दूसरे ये बता देता हूँ, मेथड बताता हूँ क्या करना है। फिर से जो है आपको मैनेज ऐप्स में जाना है, और यहाँ पे जो है आपको लिखना है सिस्टम UMI SYS, ठीक है, TEM सिस्टम UI पे क्लिक लिखना है, और टाइप करने के बाद जो है आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और जो है आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लियर कैच कर लेना है। क्लियर कैच कर लेने के बाद जो है गाइज आप फिर से बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें फिर से सर्च करना है पैकेज इंस्टॉलर PACKAGE पैकेज इंस्टॉलर, जो आप सेकेंड नंबर पे देख रहे हो गाइज ये पैकेज इंस्टॉलर है। इस पर सब देख लो पहले पैकेज इंस्टॉलर, उस पर जो है आप क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऑल ऐप डाटा इंक्लूडिंग फाइल्स क्रिएटिंग अकाउंट डेटाबेस एंड कैच विल बी क्लियर कैच करनी है, ठीक है। यहाँ से जो आपको क्लियर कैच कर लेना है, क्लियर कैच कर लोगे, और क्लियर डाटा नहीं करना है, इसे क्लियर कैच कर लेना है। पैकेज इंस्टॉलर में जो है क्लियर कैच कर लेना। अगर आप पैकेज इंस्टॉलर का जो है आप क्लियर डाटा करते हो तो आपकी जो भी डाटाज होगी वो क्लियर हो जाएगी, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन बता रहा है कि डिलीट ऑल डाटाज, ऑल एप्स डाटा इंक्लूडिंग फाइल्स सेटिंग अकाउंट्स डाटाबेस एंड कैच विल बी परमानेंटली डिलीटेड। तो गाइज आपको क्लियर कैच कर लेना है, उससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके गाइज, अगर इतना करने के बावजूद नहीं हो रहा है, आपने फ़ोन को रिसेट करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है गाइज, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है जो भी प्रॉपर ऐप्स में आ रही है, जैसे कि कोई भी जो कि मतलब सपोज कर लेता हूँ जो मेरा YT स्टूडियो है इसमें जैसे आ रहा है, या तो WhatsApp Facebook जो कि प्रॉपर ऐप्स में आ रहा है, फ़ोन में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, सिर्फ प्रॉपर ऐप्स में आ रही है, तो आपको जो है डायरेक्ट फाइल मैनेजर में जाना है, जो कि आपका फाइल मैनेजर जो जहाँ भी हो आप चेक कर लेना। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद जो है गाइज यहाँ से आपको डायरेक्ट इंटरनल स्टोरेज चूज कर लेना है। इंटरनल स्टोरेज जो है जो भी आप एक्चुअली मेरे जो है डिफ़ॉल्ट है क्योंकि मैंने SD कार्ड नहीं लगा रखा है। यहाँ पे जो है आप चेक कर लेना जो भी आपका प्रॉपर रूप से ऐप्स होगा उसे जो है आप चेक कर लेना। जैसे व्हाट्सअप का ये फाइल शो हो रहा है उस पर जो होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद उसे डायरेक्ट डिलीट कर देनी है। हाँ, डिलीट करने के बाद गाइज एक प्रॉब्लम्स होगी, जो कि आपकी जितनी भी जो है व्हाट्सअप, जैसे आपने व्हाट्सअप में प्रॉब्लम्स आ रही है तो व्हाट्सअप की जितनी भी डाटाज होंगी गाइज वो सारी डिलीटेड हो जाएगी। बढ़िया, आपकी जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी गाइज, ठीक है गाइज। सो लास्ट ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ गाइज, ये जो मैं लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ गाइज, ये इसे आपको जो है प्रॉब्लम्स तो होगी बट जो आने वाली प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबसे लास्ट स्टेप जो है आप जो वीडियो लास्ट गाइज आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है गाइज अबाउट फ़ोन पे क्लिक करनी है। आप जो है चेक कर लेना आपके फ़ोन में कहाँ पे ये सेटिंग शो होता है। तो आप सबसे नीचे आने के बाद जो है आपको बैकअप एंड रिस्टोर या फैक्ट्री रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। सॉरी बैकअप में रिस्टोर नहीं सर गाइज, यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करना है। फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करने के बाद जो है गाइज इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करनी है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी फ़ोन की जो जितनी भी डाटाज होगी सारी की सारी इरेज हो जाएगी गाइज, बट आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स है जो इशूज है जो गाइज ये अगर आपकी जो आपने सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जो कि आपकी जो इशूज होती है गाइज, जो आप ये जो एंड्रॉयड मीडिया की जो प्रोसेसिंग की जो इशूज है गाइज वो आगे चली जाती है। बहुत सारे ऐसी फॉर्म में आपने देखा भी होगा, और अभी आप जो है गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अभी तक इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो गाइस, तो जितनी जल्दी हो सके इरेज ऑल डाटा कर लेना, फैक्ट्री सेट कर लेना मेरे भाई मेरी जान, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो है आपको रोबोट की वाइप डाटा की प्रॉब्लम आ जाती है। वाइप डाटा पे जो है मैं एक वीडियोस बनाऊंगा, जब तक कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आती है वैसे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो है मैं जो भी करता हूँ प्रैक्टिकली करता हूँ, मैं थ्योरी पे जो है ज़्यादा माइंड नहीं लगाता हूँ, ठीक है गाइस। मैं इसलिए दिमाग नहीं लगाता हूँ थ्योरी पे क्योंकि जो है बहुत सारे बोलते हैं भाई मेरा तो सही नहीं हुआ, मैं तो कर रहा हूँ सही नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा मुझसे, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं गाइस। बट जो प्रैक्टिकली होता है, जब मेरे मोबाइल में भाई काम कर रहा है तो आपके मोबाइल में क्यों नहीं कर रहा काम, करेगा 101% करेगा भाई। मेरे फ़ोन में अगर ये वर्क कर रहा है तो आपके फ़ोन में भी करेगा, इसलिए मैं अभी उस पर वीडियोस नहीं बनाऊंगा। अगर गाइज अगर वो प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम जो है 2 से 4 दिन अगर आगे चली जाती है गाइज, तो फिर जो है आपको जो है आपके मोबाइल को जो है हार्ड और सॉफ्टवेयर जो है आपको अपडेट करवाना पड़ता है, जो कि आप खुद से नहीं कर पाओगे, जो कि टेक्नीशियन ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको शॉप वाले को देना पड़ेगा मोबाइल सही करने के लिए। तो
तो मैं ये बोलूँगा कि गाइज मोबाइल मतलब इतनी मतलब स्टेप जो मैंने बताया है वो कर लेने के बावजूद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो लास्ट में इरेज ऑल डाटा कर लेना। इरेज ऑल डाटा कर लेने से पहले जो है आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर या तो अपने किसी अपने फैमिली के फ़ोन में अपनी जो भी डाटाज होगी जो आपकी जो मतलब पर्सनल और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट डाटा होगी गाइस उसे जो है आप शेयर कर लेना, जिससे होगा कि फिर बाद में आप उसे ले पाओगे। ओके गाइज आप इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करके जो आप इरेज कर लेना, पूरी फैक्ट्री रिसेट कर लेना और उसके बाद जो है गाइज फ़ोन को अपडेट करना। देन जो है आप अपने फ़ोन में जो भी आपकी जो डाटा आपने किसी लैपटॉप में आपके किसी फ़ोन में जो आपने शेयर किया था वो अपने फ़ोन में ले लेना। अगर ऐसा नहीं करते हो गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इरेज करने से मतलब मेरी सारी डाटा लीट हो रही है तो मैं बता दूँ गाइज कहीं देर ना हो जाए आपकी फ़ोन की जो है मतलब टेक्नीशियन के पास दोगे तो वो पूरा का पूरा क्लियर करके ही देगा, वो न्यू सॉफ्टवेयर अपलोड करेगा और जो है आपकी पूरी फ़ोन की जितनी भी डाटाज होगी जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपकी जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप पहले किसी फ़ोन में सेव कर लो या तो फिर अपनी जो है SD कार्ड लगा करके उसमें डाल लो या आपका व्हाट्सअप का है तो उसे बैकअप कर लो। ठीक है गाइस, बढ़िया लास्ट ऑप्शन था। इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग की तरफ से प्यार मिला है। आई होप कि आप इस वीडियो से भी मुझे जो है आप वही उसी तरह से प्यार दोगे जो प्यार मुझे इससे पहले वाली वीडियोस में मिला है। एंड गाइस इस वीडियोस का जो मुझे मतलब लाइक का जो है टारगेट है समथिंग 1K मुझे चाहिए, जो कि इसमें जो है गाइस मुझे 4 महीने हुए 125 दिन में हुए हैं जिसमें 71,000 हुए हैं व्यूज़ गया है। अगर मैं वॉच टाइम की बात करूँ तो वॉच टाइम भी बढ़िया है और उसमें जो है अगर लाइक कमेंट्स की बात करो तो गाइस तो लाइक कमेंट्स भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला है, जो कि मैं आपको यहाँ से मैं अपने यूट्यूब पे सर्च करके दिखा दूँ। और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है गाइस तो आप जो है मुझे ये ऊपर में देख रहे हो गाइस, ये मेरी कमेंट सबसे ऊपर में मेरी वीडियोज़ आ रही है, टॉप पे वीडियोज़ आ रही है जो कि 4 महीने में 71K व्यूज़ गए हैं गाइस एंड 1.5 की जो है 1.7 की जो है लाइक्स भी गए हैं। अगर कमेंट्स की बात करूँ तो 598 कमेंट्स आए हैं और साथ ही साथ जो इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम के लिंक भी डाल दूँगा। गाइस आपको अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम्स हो, अगर और कोई टॉपिक भी वीडियोज़ चाहिए तो आप जो है गाइस मुझे मैसेज कर देना या तो कमेंट्स कर देना, मैं आपको उस टॉपिक पे जो वीडियो बना दूंगा गाइस। सॉरी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है बट इसमें जो है मैंने पूरी जो प्रॉब्लम थी MI फ़ोन की मैंने पूरी प्रॉब्लम को और जो है जो सॉल्यूशन थी मैंने सारे उसमें कलेक्ट करके उसमें डाल दिया गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइज़ तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना और साथ ही साथ जो अपने दोस्तों को भी शेयर करना गाइज़, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लास्ट हो जाता है मतलब ये कि गाइस काफ़ी देर हो जाएगी तो फिर मे भी हो सकता है उनकी जो इम्पोर्टेंट डाटा होगा जो भी इम्पोर्टेंस फ़ोटोज़ होंगे जो भी इम्पोर्टेंस डाटाज होंगे गाइस उनसे उसको हाथ धोना पड़ जाएगा। समझ रहे हो हाथ धोना मतलब ये गांव की लैंग्वेज से हाथ धोना कि मतलब वो जो है सारी चली जाएगी फिर वो मतलब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक तो फ़ोन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी और साथ साथ जो है उनके बंदे की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यार आप तो मेरा डाटा चला गया आप क्या होगा कैसे होगा, तो इससे बेटर है इससे पहले कि आप इसे सॉल्व कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर लेना यार, 18 मिनट की वीडियोज़ हो गई है। और हाँ मेरी इंस्टाग्राम ID जो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में IMarks में मिल जाएगा, जो कि आप जो है मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकती हो। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैं गोल्ड टॉपिक पर बनाऊँगा, जो भी प्रीमियम पैकेजेस होते हैं प्रीमियम ऐप्स होते हैं वो भी मैं मेरे पास सारे ऐप्स हैं प्रीमियम के, मेरे पास जो है TrueColor भी प्रीमियम्स में है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।